तो मुंबई इंडियंस की टीम अगर चाहती है आईपीएल 2025 के खिताब को जीतना, तो इनको करना होगा आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में एक बढ़िया स्क्वाड की तैयारी। साथ ही साथ ऑक्शन से पहले इन्हें अपने 5 बेस्ट खिलाड़ियों को खरीदना होगा, जो कि इनके टीम में एज ए रिटेन प्लेयर हमें दिखाई देंगे ऑक्शन से पहले, जो कि मेगा ऑक्शन से पहले होने वाला है। और उसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मुंबई इंडियंस के टीम के तरफ से कौन कौन से रिलीज होंगे। 20 से भी ज्यादा रिलीज खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के रिलीज खिलाड़ियों के लिस्ट में, क्योंकि मेगा ऑक्शन है और इसी वजह से मेगा ऑक्शन होने की वजह से कम अपने 20 खिलाड़ी को तो रिलीज करना ही होगा, बाकी 5 को रिटेन करेंगे, जो कि ऑक्शन से पहले इनके टॉप 5 रिटेन खिलाड़ियों में आएंगे। हम चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम आपको बताएंगे मुंबई इंडियंस के टीम के रिटेन खिलाड़ियों के बारे में कि किन किन खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस की टीम रिटेन कर सकती है मेगा ऑक्शन से पहले। सबसे पहले रिटेन खिलाड़ी हो सकते हैं सूर्य कुमार यादव, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा को शायद ये रिटेन करे, तीसरे खिलाड़ी हो सकते हैं जसप्रीत बुमराह, चौथे नंबर पे तिलक वर्मा और पांचवें नंबर पे मे बी टिम डेविड। तो ये टोटल 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मुंबई इंडियंस की टीम मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन करना चाहेगी। अब आप सोच रहे होंगे हार्दिक पांड्या का नाम कहाँ है। वेल, जब से सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम के T20 इंटरनेशनल के कप्तान बने हैं, तब से मुंबई के फ्रेंचाइज भी सूर्य को अपने कप्तान के तौर पर देख रही है और आईपीएल 2025 में सूर्य को वो अपना कप्तान बनाएंगे। उसके अलावा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को रिटेन करेंगे और हार्दिक को रिलीज करेंगे, क्योंकि अगर हार्दिक मुंबई की टीम में होते हैं तब शायद बुमराह और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी मुंबई का साथ छोड़ दे, एंड दैट्स व्हाई मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या को ही रिलीज कर देगी, सूर्य को कप्तान बना देगी, रोहित और बुमराह भी इनके पास रह जाएंगे, जो कि मुंबई के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के सभी रिलीज खिलाड़ियों के बारे में। तो इनके रिलीज खिलाड़ियों के लिस्ट में नाम आएगा डोयल ब्रेविस का, उसके अलावा निहाल वधेरा, फिर हो गए शिवालिक शर्मा, चौथे नंबर पे नमन धीर आ गए, पांचवें नंबर पे शम्स मुलानी, छठे पे हार्दिक पांड्या, सातवें पे कुमार कार्तिकेया, आठवें हो गए अर्जुन तेंदुलकर, नौवें मोहम्मद नबी, दसवें श्रेयस गोपाल, ग्यारहवें ईशान किशन, जी हां ईशान किशन, उसके अलावा बारहवें विष्णु विनोद, 13वें हो गए जेसन बैरनड्रॉफ, 14वें हो गए पीयूष चावला, 15वें आकाश मधवाल, 16वें खिलाड़ी रोमारियो सेफर्ड, 17वें नंबर पे जिलाट गोडजे आते हैं, 18वें पे अंशुल कंबोज, 19वें खिलाड़ी होंगे दिलशान मधुशनका और 20वें श्रीलंका के नुवन थुसारा। तो टोटल ये 20 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मुंबई इंडियंस की टीम मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज करेगी। और भी कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि क्वेना मबाका हो गए और कुछ और रिप्लेसमेंट वाले खिलाड़ी हैं, वो भी रिलीज होंगे और टोटल सिर्फ 5 खिलाड़ी ही रिटेन होंगे। उसके अलावा जितने भी 20-22 खिलाड़ी हैं ये मुंबई इंडियंस के टीम से रिलीज हो जाएंगे, मेगा ऑक्शन में जाएंगे और कोई टीम खरीदती है तो एक बार फिर से आईपीएल 2025 में एक दूसरी नई टीम के साथ हमें दिखाई दे सकते हैं। तो ओवरऑल मुंबई इंडियंस के 5 रिटेन खिलाड़ियों के बारे में भी हमने चर्चा की, लेकिन आपकी राय उसके ऊपर क्या है कि मुंबई इंडियंस के टीम को किन खिलाड़ियों को रिटेन करना चाहिए? क्या हार्दिक पांड्या को उन्हें अपनी टीम में रिटेन करना चाहिए, रोहित शर्मा और बुमराह को क्या मुंबई का साथ छोड़ना चाहिए या फिर नहीं? इन सभी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है हमें कॉमेंट करके अभी बताइएगा। साथ ही साथ IPL 2025 में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन है, अपनी फेवरेट टीम का नाम कमेंट करके टेलीग्राम पे आ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे हम क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी खबरें प्रोवाइड करते रहते हैं।